हेलो बच्चों, आशा करती हूँ कि आप लोग सब अच्छे हैं। लॉकडाउन टाइम में सब लोग सुरक्षित हैं। अभी आप लोग घर में रहिए। जैसे कि आपको पता चल ही गया है कि फिर से थोड़ा सा संक्रमण बढ़ रहा है, और आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ वह आपको दिख ही रहा है, पर्यायवाची शब्द। तो बच्चों, इससे पहले मैं कुछ कहना चाहूंगी। जैसे कि वर्तमान समय प्रतियोगिता का युग है, प्रत्येक प्रतियोगी को एक योग्य मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है, और उसके लिए मैं जरूर कहना चाहूंगी कि एक किताब से अच्छा मार्गदर्शक कोई नहीं हो सकता। मगर बच्चों, इस मेरे साथ आप सीखते रहिए तो मैं भी आपको जरूर मार्गदर्शन करती रहूंगी। आज जो ये पर्यायवाची शब्द है, ये सभी महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले कुछ पर्यायवाची शब्द है। इसके अलावा भी तत्सम, तद्भव शब्द, वाक्यांश हेतु एक शब्द, अशुद्ध शुद्ध वाक्य भी मैं आपके लिए लेकर आऊंगी। अब आते हैं पर्यायवाची शब्द में। पर्याय का अर्थ है समान, अतः समान अर्थ व्यक्त करने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिनोनिम्स वर्ड्स कहते हैं। तो बच्चों, जो अंग्रेजी व्याकरणकार नेसफील्ड ने लिखा है, ए वर्ड हैविंग द सेम और नियरली द सेम मीनिंग एज अनादर, इसी को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्द किसी भी भाषा की सबलता के प्रतीक है। जिस भाषा में जितने अधिक पर्यायवाची शब्द होंगे वह उतनी ही सबल व सशक्त भाषा होगी। इस दृष्टि से संस्कृत सर्वाधिक संपन्न भाषा है। बच्चों, क्योंकि संस्कृत में राजा शब्द के 1000 से भी अधिक पर्यायवाची है, इसी प्रकार सारंग शब्द के 50 से ऊपर शब्द बन सकते हैं। तो भाषा में इन शब्दों के प्रयोग से पूर्ण अभिव्यक्ति की क्षमता आती है, साथ ही भाषा में वह आकर्षण वह लालित्य आ जाता है जो कि वक्ता और श्रोता दोनों के लिए अनिवार्य है। जिस भाषा में समानार्थक शब्द का अभाव होगा उसमें अभिव्यक्ति का सौंदर्य नहीं होगा, और न ही पुनरुक्ति दोष से मुक्त हो पाएगी। तो पर्यायवाची शब्द से हम लोग एक ही शब्द को बार बार पुनरुक्त करने से हम बच जाते हैं, हम उसके जगह में दूसरा शब्द लगा सकते हैं। तो विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए पर्यायवाची शब्दों की सूची एक मैं लेकर आई हूं। वैसे तो बहुत शब्द है, लेकिन मैं इस वीडियो में कुछ ही लेकर आई हूं, और आपको जरूरत होने से मैं और भी दूंगी, आपके कमेंट पर वह निर्भर करेगा। जैसे कि अंकुर, अंकुर, अंकुर को हम लोग और क्या कह सकते हैं, पोंपल, अंकुआ, कल्ला, नवोद्भिद, कलिका, गाभ, कली, अंकुड़ा। वैसे अग्नि, अग्नि को हम आग, अनल, पावक, जात, वेद, कृषाणु, वैश्वानर, हुताशन, रोहिताश्व, वायु, सुख, हव्यवाहन कह सकते हैं। अचानक, अचानक को हम लोग अकस्मात, अनायास, एकाएक, देव योग भी कह सकते हैं। अच्छा, उचित, उपयुक्त, ठीक,
सही, बढ़िया, चौखा, बेहतर। आकाश, आकाश को नभ, अंबर, अंतरिक्ष, आसमान, व्योम, गगन, दिव, ध, पुष्कर, शून्य ऐसे भी कह सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि कविता में हम लोग को पर्यायवाची शब्द बहुत मिलते हैं, तो किसी भी नए चीज को हम लोग जब किसी चीज का आकार देने की चेष्टा करते हैं तो हमें पर्यायवाची शब्द की बहुत जरूरत होती है। आंख, अक्षी, नयन, नेत्र, लोचन, चक्षु, अक्षी, ईर्ष्या, मत्सर, दाह, जलन, कुढ़न, उत्सव, समारोह, आयोजन, पर्व, उदाहरण, मिसाल, नमूना, दृष्टांत, ऊंचा, उच्च, शीर्षस्थ, उन्नत, उत्तंग, उत्तुंग, ऋषि, मुनि, मनीषी, महात्मा, साधु, संत, कमल। कमल के, कमल को हम सरोज, सरोरूह, जलज, पंकज, नीरज, वारिज, अंबुज, शतदल, अरविंद कह सकते हैं। बच्चों ये सारे तो जो सरोज है, पंकज है, नीरज है, बहुत सारे तो ये नाम, नाम रखते वक्त भी हम लोग पर्यायवाची शब्द से ही रखते हैं। कन्या, कुमारिका, बालिका, किशोरी, बाला। खग, पक्षी, चिड़िया, पखेरू, द्विज, पंछी, विहंग, शकुनी। बच्चों तो शकुनी का मतलब भी खग है, पंछी है, पक्षी है। घर, महल, सदन, निकेतन, भवन, गृह, गेह, ओक। छात्र, विद्यार्थी, शिक्षार्थी, शिष्य, झंडा, ध्वजा, केतु, पताका, निशान, निशान, पृथ्वी, वसुधा, वसुंधरा, मेदिनी, मही, भू, भूमि, इला, उर्वी, जमीन, क्षिति, धरती, धात्री, सूर्य, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, रवि, नारायण, सविता, कमल बंधु, आदित्य, प्रभाकर, मार्तंड। तो बच्चों आप लोग खूब इसको जोर जोर से पढ़िएगा, ये एक टंग ट्विस्ट के तरह भी आपका काम आएगा, तब आपकी हिंदी भी बहुत अच्छा हो जाएगा, और इसमें अगर आप कविता लिखने का काम या फिर कभी नॉवेल्स वगैरह लिखना चाहें तो आपको बहुत काम आएगा। बच्चों वैसे तो पर्यायवाची शब्द की एक लंबी सूची मेरे है, मगर मैं आपको सारे तो अभी नहीं दे पा रही हूँ।
लेकिन किसी दिन मैं और भी लाऊंगी। और आपको कोई भी जरूरत हो तो प्लीज मुझे कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं उस शब्द के पर्यायवाची आप तक पहुंचा सकूं। और बच्चों फिर अच्छे से पढ़िए, घर में खूब पढ़िए, अलग अलग विषय के बारे में खूब जानने की चेष्टा कीजिए। इसी के साथ मैं लर्निंग विद पुष्पांजलि चालिहा आज वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।